पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के परिवार ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की है। 25 दिसंबर को पाकिस्तान में कुलभूषण से मिलने के बाद उनकी मां और पत्नी दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले विदेश मंत्री ने उनकी मुलाकात करवाई गई। कुलभूषण के परिवार के साथ विदेश मंत्री के निवास पर हुई यह मीटिंग सुबह 9:30 बजे शुरू हुई है। विदेश मंत्री के साथ यह मीटिंग काफी लंबे समय तक चली। बताया जा रहा है कि जाधव के परिवार द्वारा पाकिस्तान में जाधव से हुई बातचीत के बारे में विदेश मंत्री को बताया गया है। जाधव के परिवार ने विदेश मंत्री को बताया कि इस्लामाबाद में उनके साथ क्या हुआ, कैसा व्यवहार किया गया, क्या बातें की गई और कुलभूषण ने उन्हें क्या बताया। विदेश सचिव एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार भी सुषमा स्वराज के निवास स्थान पर मौजूद थे। पाकिस्तान की जेल में कथित रूप से जासूसी के मामले में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव ने सोमवार 25 दिसंबर को इस्लामाबाद में अपनी पत्नी और मां से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान का रवैया चौंका देने वाला था। जाधव से उनकी माँ और पत्नी की मुलाकात एक बंद कमरे में शीशे की दीवार के बीच कराई गई। बातचीत के दौरान विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी वहां मौजूद थे। बातचीत के लिए एक इंटरकॉम का इस्तेमाल किया गया और कई कैमरों की निगरानी में पूरी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दी थी। हालांकि मुलाकात के दौरान पड़ोसी देश ने मानवता के सभी मापदंडों की अवहेलना की। यहां तक कि मुलाकात से पहले जाधव की पत्नी और मां के कपड़े तक बदलवाए गए, उनके कानों की बाली से लेकर बिंदी भी हटा दिए गए। मुलाकात से पहले जारी तस्वीर और वीडियो में दिख रहा है कि जाधव की मां और पत्नी इस्लामाबाद पहुंचे तब दोनों ने बिंदी लगाई थी, कानों में बालियां भी पहनी थी, लेकिन मुलाकात के दौरान कमरे में बैठे परिजनों के कान खाली थे और बिंदी भी हटा दी गई। मुलाकात से पहले और बाद के फोटो में साफ नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद पहुँचने के बाद जाधव की माँ और पत्नी के कपड़े बदलवाए गए थे। मुलाकात से पहले ही फोटो में माँ ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने एक शॉल भी ली थी, जबकि पत्नी ने लाल पीले रंग का सूट पहना था और एक शॉल भी ओढ़े हुए थी। मुलाकात के बाद भी दोनों इन्हीं कपड़ों में नजर आई, लेकिन बंद कमरे में मुलाकात के दौरान दोनों की ही वेशभूषा अलग ही थी। शीशे की दीवार में मुलाकात के सवाल पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता फैजल की ओर से दलील दी गई कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि सुरक्षा कारणों के चलते शीशे की दीवार के बीच मुलाकात कराई जाएगी। वहीं जाधव को काउंसलर एक्सेस के सवाल पर फैजल ने कहा कि यह काउंसलर एक्सेस नहीं था, यह सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात थी, जिसे जाधव के कहने पर 10 मिनट और बढ़ाया गया था। एक पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स किया गया है जी। इसमें इस्लामी शायर जो हैं हमारे वो भी यही बताते हैं, इसी तनाजर में जेस्चर किया गया और मुलाकात कराई गई। और मीडिया, जाहिर है हमने तो हिंदुस्तान के मीडिया को दावत दी, जैसे मैंने जिक्र किया, पाकिस्तान के पास छुपाने को इस सिलसिले में कुछ नहीं है। काउंसलर एक्सेस का मामला यकीनन हमारे पास है, पहले हम ये ना दे सके, उसकी वजह यह है कि इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, केस चल रहा था और वो मुकदमा वगैरह, और ये हमने मुलाकात करा दी। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है, काउंसलर एक्सेस पे अकॉर्डिंगली फैसला हो जाएगा जब वक्त आएगा। तो ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी जी, ये कैटेगोरिक पोजीशन है। ये मैं मुकम्मल कर लूँ जी प्लीज, ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी, क्योंकि डिप्लोमेट को हमने पहले बता दिया था कि आप वहाँ मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट थे। हमने कहा था आप यू विल बी एबल टू सी द मीटिंग, वो देख सकते थे। ये बात हमने कैटेगोरिकली इंडियन हाई कमीशन को, इंडिया को बता दी थी, आप मौजूद होंगे, आप देख सकेंगे। जाहिर है कि अगर इससे एक स्टेप हम आगे चले जाते हैं और वो बात कर लें और वो उनकी बात सुन लें, तो फिर वो काउंसलर एक्सेस का मामला शुरू हो जाता है। तो चूंकि ये नहीं है, वी एब्सोल्युटली जो हमने अपने उनके साथ वादा किया था उसको अपहोल्ड किया है, ना कम ना ज्यादा। पाकिस्तान हैज ऑनर्ड ऑल द कमिटमेंट्स दैट इट हैड मेड। आधे घंटे की मीटिंग का वादा था, ये करीबन 40 मिनट तक चली गई, 35 मिनट इफेक्टिव मीटिंग। और ये कमांडर यादव ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग रिक्वेस्ट की कि जी इसको अगर 10 मिनट बढ़ा दिया जाए, तो हमने उसको कुछ एक्सटेंशन दे दी कि जी ये कह रहे हैं, उनकी मदर ने भी एग्री किया जी कुछ देर के लिए बढ़ा दिया जाए, तो हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया।
मुलाकात के इस तरीके पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मानवीय आधार पर एक माँ को अपने बेटे से और एक पत्नी को अपने पति से सीधे तौर पर नहीं मिलने दिया गया। वे आमने सामने जरूर बैठे थे, लेकिन उनके बीच में शीशे की दीवार थी। तीनों आपस में बात कर सके इसके लिए इंटरकॉम का इंतजाम किया गया था। कुलभूषण जाधव की तस्वीरें देखकर कहा जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान में किस तरह प्रताड़ित किया गया है। पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद से जाधव की उनसे यह पहली मुलाकात है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से इस मुलाकात के जारी किए गए वीडियो में खुलासा हुआ है कि कुलभूषण जाधव के साथ वहां अत्याचार हुआ है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शिपिंग कंटेनर में कुलभूषण जाधव की मुलाकात उनके परिवार से कराई गई। ये भी कहा जा रहा है कि शिपिंग कंटेनर में पर्दे और कैमरे भी लगाए गए थे। इस मुलाकात के वक्त यह शिपिंग कंटेनर किसी ऊंची बिल्डिंग के बेसमेंट में रखा गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि शिपिंग कंटेनर में कैदियों को तभी रखा जाता है जब उन्हें प्रताड़ित करना होता है। शिपिंग कंटेनर लोहे की मोटी परत से तैयार किया जाता है, यह बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है।